नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन बीएचयू पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूँ। गणतंत्र दिवस की बहुत सारी बधाइयां आपको, लेकिन असली मायने में आजादी हम लोगों को तब मिलेगी जब हम लोग एक शिक्षित भारत का निर्माण कर पाएंगे। ठीक, तो इसी अवसर पे हमने अनाउंस किया हुआ है कि हम लोग यूपी पुलिस की एक नई बैच चलाएंगे और वो फ्री ऑफ कास्ट होगी। ठीक है, ये दोनों बैच हमारे यहाँ चलेगा, ऑफलाइन सेंटर पे भी हमारे और ऑनलाइन सेंटर पे भी। आज और इसी की तरफ मैं एक कदम बढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ का एक बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक से आपको समझ में आ जाएगा। आराम से इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आनंद लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पद बोलते हैं नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। देखिए नंबर सिस्टम है क्या? नंबर को लिखने का जो सिस्टम है, लिखने का जो तरीका है, वही है नंबर सिस्टम। नंबर को लिखने का तरीका, संख्या को लिखने के तरीके को, तरीके को नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या के लिखने के तरीकों को नंबर सिस्टम कहते हैं। अब नंबर सिस्टम, संख्या को हम लिखते कैसे हैं? तो आप जानते हैं संख्या को हम लिख सकते हैं, पहला डेसिमल नंबर सिस्टम। दूसरा आप लोग पढ़े होंगे ऑक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्टाडेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। मैं पूरा लिख ही देता हूं, लोग कह रहे थे कि आप इंग्लिश में भी थोड़ा बोलिए। बाइनरी सिस्टम दूसरा है, तीसरा है ऑक्टा डेसिमल नंबर सिस्टम, या चौथा बोलेंगे हम लोग हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। ये चार तरह के होते हैं, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टा, हेक्टा। हमें पढ़ना है बस, हमें इनमें सबसे ज्यादा जो आता है, हम यूज करते हैं जो अपने डेली लाइफ में, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9। और इन्हीं को हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये क्या होते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम आपको बताते हैं नंबर सिस्टम के बारे में, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में नंबर को पढ़ते हैं। नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर, कोई भी नंबर होता है, उसकी दो वैल्यू होती है। नंबर्स की दो वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू और दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। जैसे कि आप देखते हैं कोई आदमी कहां पे है, एसडीएम के प्लेस पे है या इंस्पेक्टर के प्लेस पे है या कांस्टेबल के प्लेस पे है, जिस भी प्लेस पे होगा उसकी एक वैल्यू होगी। मतलब आप देख रहे हैं जो आदमी कांस्टेबल था वो इंस्पेक्टर बन गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है, हमेशा चेंज हो जाती है, और फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। हिंदी में कहते हैं इसको जातीय मान, और इसको कहते हैं अस्थानीय मान। स्थान हमेशा चेंज होता है, इसीलिए फेस वैल्यू हमेशा चेंज होती है, लेकिन फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जात आपकी कभी चेंज नहीं होती। जैसे मैं आपको ये बताऊं, 565 में 2 5 है, ये 5 इकाई के स्थान पे आया, ये 5 जो है सैकड़े के स्थान पे आया। इस 5 का जो है मान होगा 5 और इस 5 का मान होगा 500। इसके जो है प्लेस वैल्यू है जो इसका 5 है, इसका क्या है 500। लेकिन फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू इसका भी 5 है, क्योंकि इसका फेस 5 की तरह ही है और इसका भी फेस जो है 5 की तरह ही है, तो फेस वैल्यू कभी बदलता नहीं है। अब बात करते हैं नंबर की, तो नंबर की बात करें, नंबर यहाँ पे जितने भी नंबर हैं उनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला एक नंबर हो जाएगा वास्तविक संख्या, इनको कहते हैं रियल नंबर। दूसरा हो जाएगा काल्पनिक संख्या, इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जैसे आई, आयोटा इसको कहते हैं। ठीक ना,
आयोटा क्या है? एक काल्पनिक नंबर है, बस इसके कल्पना करते हैं। जैसे मान लो आयोटा की वैल्यू होती है आई, जैसे आई स्क्वायर का मान हो जाएगा अंडर रूट आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का वन, आई बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस वन, यही होता है आयोटा इसको कहते हैं, ठीक ना। ये काल्पनिक नंबर है, जैसे कुछ भी आप कल्पना कर लीजिए, अंडर रूट माइनस 29 ये काल्पनिक नंबर है, ठीक ना। लेकिन हमें पढ़ना है क्या, वास्तविक नंबर, ठीक ना। यहाँ पे दो तरह के वास्तविक नंबर होते हैं। पहला जो भी नंबर होगा वो दो तरह का, या तो वो पूरा होगा, पूरा होगा तो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक, या तो वो पूरा होगा या तो आधा अधूरा होगा, आधा अधूरा होगा तो उसको कहेंगे दशमलव, डेसिमल, दशमलव, दशमलव। अब देखिए दशमलव ये क्या होता है, जैसे आप देखिए पॉइंट फाइव ये क्या है, एक पूरा का पूरा है, तीन पूरा का पूरा है, और दस पूरा का पूरा नंबर है, मतलब ये आधा नहीं है, ये पूरा नंबर है, इसीलिए इसे पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर, इंटीजर, और इनको कहते हैं डेसिमल। जैसे आप देखिए 0.3333, आप देखिए पॉइंट हो जाएगा 0.12345 हो जाएगा, बहुत सारे ऐसे पूर्णांक हो जाएंगे, डेसिमल, डेसिमल हो जाएगा 1.534, ये सब हो जाएंगे। तो एक नंबर होता है पूर्णांक और एक नंबर होता है डेसिमल, दशमलव, ठीक है। पूर्णांक को भी देखते हैं, दशमलव, दशमलव की बात करते हैं। यहाँ पे दो तरह के दशमलव होते हैं, एक ऐसा दशमलव होता है जो बार बार रिपीट होता है और एक ऐसा दशमलव होता है जो रिपीट नहीं होता। तो एक को बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल, एक को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग डेसिमल, इसको बोलते हैं शांत दशमलव, हिंदी में शांत दशमलव, और इनको बोलते हैं अशांत दशमलव। अब देखिए क्या अंतर है दोनों में, शांत दशमलव क्या है, शांत दशमलव ये है कि जिस भाग, जिसके डेसिमल को टर्मिनेट किया जा सके, जैसे इसको टर्मिनेटिंग, इसको नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। जैसे देखिए 0.5, 0.333, 0.666, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग, इनके डेसिमल को। अब देखिए और भी है 0.565656, ऐसे करके बहुत सारा होगा, ठीक है, 0.123123123 ऐसे करके होगा, ये जो है टर्मिनेट हो सकते हैं। अब देखिए ये भी बहुत रिपीट करेंगे, 0000 ये सब है भाई, 3333 666 सब। अब ये दशमलव क्या होते हैं, ये डेसिमल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 9 10 ऐसे जो चलता जाएगा, ठीक ना, 5 3 4 ये सब चलता जाएगा। अब दोनों में क्या अंतर है, जैसे हमें इसे टर्मिनेट करना है, अब इसे हम, इसको हम बटे में लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस पांच को, इसको हटा के इस पांच के बदले इस डेसिमल को खत्म करने के लिए नीचे हम क्या लिखते हैं, 10। इसको खत्म करने के लिए सबको टर्मिनेट करके हम तीन पे क्या लगा दें, बार लगा दें। बार लगने का मतलब ये होता है कि वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए हम सबके क्या लगा दें, बार लगा दें, ठीक ना। इसको आप देखिए 6 5 6 5 ये जो है पांच क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसपे हम बार लगा सकते हैं, 1 2 3 रिपीट हो रहा है तो इसपे हम बार लगा सकते हैं। तो जब हम दशमलव पे लगाते हैं तो 10 लिखते हैं, बार का हम क्या लिख देंगे, 3/9, ये 6/9 ये लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं 56/99। तो हम इनको क्या, इनको हम टर्मिनेट करके P/Q के रूप में लिख पा रहे हैं। लेकिन इनको हम कैसे टर्मिनेट करें, ये कितना डेसिमल है हमें तो पता है नहीं, बहुत दूर तक गया है, तो हम कितना नीचे जीरो रखते हैं। जैसे हमें ये पता है एक दशमलव है तो 1 0 रखते हैं, 2 होता है तो 2 0 रख देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियर ही नहीं है कि कितना जीरो है, तो हम दशमलव रख नहीं सकते नीचे, इसके दशमलव को खत्म नहीं कर सकते, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है। अब बात समझ गए इसको हम क्यों लिख पा रहे हैं, तो जिनको हम P/Q के रूप में लिख पाते हैं वो शांत डेसिमल कहलाते हैं, जिनको नहीं लिख पाते वो अशांत डेसिमल, और जिनको हम P/Q के रूप में लिखते हैं वो बोले जाते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है, अपरिमेय संख्या, जिनको हम नहीं लिख पाते P/Q के रूप में वो कहलाते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या।
तो आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, कैसे आया। आप किताबों में पढ़ते हैं, किताब में बस कंक्लूजन दिया हुआ है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, जिनको पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं वो परिमेय संख्या। अभी ये नहीं बताया गया कि पी बाई क्यू के रूप में कैसे क्यों नहीं लिख पाते हैं, ठीक ना, तो हम इसीलिए नहीं लिख पाते। तो आपको परिमेय अपरिमेय समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इधर पूर्णांक संख्या पे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, जो पूरा पूरा अंक हो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या जो होता है वो होता है तीन तरह का। पूर्णांक इंटीजर जो होता है वो तीन तरह का होता है। या तो होगा आप बचपन में नंबर लाइन ऐसे पढ़े होंगे, यहाँ पे लिखा होगा आपने 0, -1, -2, -3, चाहे बढ़ते जाइए, इधर लिखा होगा 1, 2, 3, 4, अभी अनंत तक बढ़ते जाइए, ये भी अनंत तक बढ़ते जाइए। तो ये पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, और ये तीन प्रकार की होती हैं। तो इधर मैं लिख रहा हूँ, इधर है नेगेटिव नंबर, नकारात्मक संख्या, नेगेटिव नंबर, यह है जीरो शून्य, ये है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। जैसे देखिए -5, -6, -7, ये सब क्या है, ये सब नेगेटिव नंबर है। तो -1 से लेकर के माइनस अनंत तक की संख्याओं को नेगेटिव नंबर कहते हैं, ये जीरो हो गया। और यहाँ पे क्या, 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पॉजिटिव नंबर कहते हैं, ठीक है, और 1 से अनंत तक की संख्याओं को पॉजिटिव नंबर कहते हैं, और इन्हें ही कहते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक प्राकृतिक ध्यान से समझिएगा। इन्हें कहते हैं 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पॉजिटिव संख्या कहते हैं, और पॉजिटिव संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। अगर इसी में हम जीरो ऐड कर दें, ठीक है, जीरो ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर, जीरो प्लस नेचुरल नंबर होता है पूर्ण संख्या। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि सभी जो है नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो भी आता है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अब बताइए जीरो नेचुरल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीज वही होती है जो उत्पन्न हुई हो खुद से, ठीक ना। और प्राकृतिक संख्या जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि इसको हमने खोजा है, जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की है, और खोजी गई चीजें प्राकृतिक नहीं होती, इसीलिए जीरो प्राकृतिक संख्या। इतना बात समझ में आया, नेगेटिव इंटीजर समझ में आ गया, जीरो इंटीजर समझ में आ गया, पॉजिटिव पूर्ण संख्या समझ में आ गया, होल नंबर आपको, और प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं इन संख्याओं को और सब डिविजन किए गए हैं। आप जैसा कि देखेंगे इस संख्याओं को आप बांट सकते हैं सम संख्या, संख्याओं को पहला तो सम संख्या, दूसरा बांट सकते हैं विषम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, और चौथा सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, प्रो प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। ध्यान से देखिए क्या है दोनों में, सम संख्या जो दो से कट जाए, ठीक ना, सम संख्या वही होता है जिसके इकाई का अंक दो से क्या हो जाए, कट जाए, या जो दो से कट जाए, सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं जिसके इकाई का अंक दो से कट जाए, या जो संख्या दो से कट जाए, जो दो से कट, कुछ भी लिख सकते हैं, जो दो से कटे। तो दो से कटने वाला क्या है, जैसे 12, 20, 16, 18, ये सब सम संख्या है। अब आपसे एक बार क्वेश्चन आया कि जीरो क्या है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक लाइन लिख दूं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसमें बताइए सम संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 2, 4, 6, 8, और मान लीजिए यहां जीरो था, तो ये क्या है, सम संख्या। तो बाकी बचे क्या है, विषम संख्या। लेकिन जीरो का क्या करें, ये 1 विषम संख्या है, 3 विषम संख्या, 5, 7, 9 विषम संख्या है, ठीक ना, जो दो से न कटे, जो दो से न कटे, ठीक ना, नहीं कटेगा। तो जीरो क्या है, तो जीरो एक सम संख्या है, ठीक ना,
जीरो एक क्या है, समसंख्या। कैसे समसंख्या है मैं आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। जैसे आप देखिए माइनस सात में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस पांच में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस तीन में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा माइनस एक, और माइनस एक में दो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक, एक में जोड़ेंगे तीन फिर आ जाएगा पांच। कहीं भी जीरो आया नहीं आया, लेकिन अगर यही सीरीज जो है समसंख्या जो होती चार फिर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दो, फिर जोड़ेंगे तो क्या आएगा जीरो, फिर दो फिर चार फिर छह, आप देख रहे हैं समसंख्या की सीरीज में आ गया है। तो इसीलिए इनको कहते हैं क्या, जीरो को कहते हैं कि जीरो एक समसंख्या है, ठीक ना, क्योंकि सम की सीरीज में आया हुआ है, विषम वाले में आया नहीं, तो इसीलिए जीरो समसंख्या नहीं है, एक समसंख्या है, आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। अभाज्य संख्या क्या है, अब देखिए बहुत लोग बोलते हैं जो किसी से न कटे हुआ अभाज्य संख्या है, तो बताइए एक किसी से कटता है किसी से नहीं कटता, लेकिन वो अभाज्य संख्या है नहीं, ठीक ना। तो अभाज्य संख्या का रूल क्या है कि जिसके केवल दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, जैसे आप देखिए सात है, सात के कितने गुणनखंड है दो, या तो ये एक से कटेगा या तो खुद सात से कटेगा, है ना। आप देखिए ग्यारह एक से कटेगा या तो किससे कटेगा ग्यारह से, तो दो गुणनखंड है। लेकिन अगर एक की बात करते हैं तो एक केवल एक से ही कट रहा है, इसके दो गुणनखंड है नहीं, इसीलिए एक जो है नहीं अभाज्य संख्या है। अब दो की बात करते हैं तो दो जो है एक से भी कटेगा और दो से भी कटेगा, इसके दो गुणनखंड हो गए, इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दो, और एकमात्र सम संख्या जो क्या है अभाज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार टेट के एग्जाम में पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है दो है, एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य संख्या है वो क्या है दो है, ठीक है, क्योंकि अभाज्य संख्या वही होती है जिनके केवल दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो। अब बात करते हैं सह अभाज्य संख्या की, दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो क्या हो जाए सह अभाज्य, जिनका एलसीएम एचसीएफ एक हो, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ एक हो, ठीक ना। जैसे आप देखिए आप सात और पंद्रह, ठीक ना, आप जानते हैं कि पंद्रह अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि तीन से कटेगी पांच से कटेगी, सात अभाज्य संख्या है, लेकिन इन दोनों को सात में कोई नंबर काट नहीं सकता, तो ये दोनों किससे कटेंगे केवल एक से कटेंगे, तो इनका मौसम केवल एक है। आप देखिए पंद्रह और सोलह ये हमेशा क्या है, ये अभाज्य संख्या है और ये बस किससे कटेंगे एक से कटेंगे दोनों एक साथ, सह का मतलब साथ में और मिलकर क्या हो जाए अभाज्य हो जाए, इसीलिए इनको कहते हैं सह अभाज्य संख्या, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग इस पे ताकि हम देखें आपको समझ में आया कि ना आया सह अभाज्य संख्या पे, तो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के एसएससी में, आपको मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं क्या है क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन है दिया हुआ है कि यदि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं, पी और क्यू क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं, पी और क्यू यदि पी और क्यू सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, पी प्लस क्यू बराबर दस, दिया हुआ है कि पी प्लस क्यू बराबर दस और पी जो है कितना छोटा है क्यू से, तो बताना है फाइंड द पॉसिबल नंबर संभावित संख्याएं क्या है। देखिए बहुत ध्यान से, ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूं आपको जिनको इंग्लिश में समस्या है, इफ द पी एंड क्यू आर द को प्राइम नंबर एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 एंड पी लेस देन क्यू देन फाइंड द पॉसिबल नंबर फॉर पी एंड क्यू। देखिए ध्यान से, अब पी क्यू के लिए नंबर पॉसिबल क्या है जो 10 हो जाए, पी और क्यू के लिए या तो 1 9 हो 10 हो जाए, बात समझ रहे, दूसरा 2 8 हो 10 हो जाए, 3 7 हो 10 हो जाए, 4 जो है 6 हो 10 हो जाए, 5 हो 10 हो जाए, बात समझ रहे हैं, 5 हो 10 हो जाए, यही तो हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता 10 होने के लिए। आप देखिए ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, दोनों सम संख्या, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है,
और ये दोनों वैल्यू एक ही है क्यों, और क्यों बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बस दो ही पे पड़ा हमारा, या तो एक या तो नौ, और या तो तीन या तो सात, इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। देखिए p प्लस q का मान 10 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि q क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ भी q बड़ा है, यहाँ भी q बड़ा है, इससे तो दोनों बड़ा है, लेकिन बोला गया है कि दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं, ठीक ना। और यहाँ आप जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो क्या होना चाहिए आंसर, बात समझ गए। तो इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करने हैं, ठीक है, समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। और भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और देखते रहिए। एक और पॉइंट मैं बताता हूं, एक पॉइंट आता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक है। देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर ये होता है जिनका गुणनखंड, जिनका जितने गुणनखंड हो उन गुणनखंडों को जोड़े तो उनका मान उतना ही आता है। जैसे आप देखिए मैं 6 लेता हूं, 6 के गुणनखंड है 1 2 3, ठीक ना, और खुद 6 है, तो 6 को नहीं काउंट करना है। अब इनके गुणनखंड है, इनके गुणनखंडों को जोड़ने पे अगर 6 आ जा रहा है तो ये परफेक्ट नंबर है, बात समझ रहे हैं। दूसरा देखिए 8, इसका 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 तो लेंगे नहीं, ठीक ना, तो 4 2 6 1 7, इनका कितना आया 7, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, बात समझ में आया। तो परफेक्ट नंबर वही होते हैं कि जिनके गुणनखंडों का योग क्या हो जाए, खुद वो नंबर आ जाए, उस एक्सक्लूडिंग दिस नंबर, उस नंबर को हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक ना, उसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर, बात समझ में आ गई। तो ऐसे ही आपको पता करना है कि कौन इसमें परफेक्ट नंबर है, कौन सा इसमें, ठीक है। और भी है बहुत सारे, जैसे एक नंबर है 28, देखिए 28 इसका क्या है, 1 2 4 7 हो जाएगा, 7 4 28, ठीक ना, फिर हो जाएगा 14 हो जाएगा, यही होगा, 28 28 तो लेना नहीं है। अब देखिए कितना हो गया 21 21 21 21, 7 4 कितना हो 25, और 25 3 28, मतलब 28 में क्या है परफेक्ट नंबर है, और 496 परफेक्ट नंबर है, मतलब 500 तक, 1 से 500 तक केवल 3 परफेक्ट नंबर है, पहला 6, दूसरा 28 और तीसरा 496। तो अगर कभी आपसे पूछा जा रहा है कि 500 तक परफेक्ट नंबर कितने होते हैं, तो 3 ही होते हैं, बात समझ में आ गया। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट, बताइए 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो आप चाहे तो लिख लीजिए, जैसे पहली अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 ऐसी होगी, ठीक ना, 13 के बाद 17 17 19 19 हो जाएगा, 23 23 के बाद 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक ना, 37 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, ये सारे गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 147 हो गया। तो आपको मान लीजिए ऐसे भी गिनना तो है नहीं, आपको सीधा सीधा बताना है 1 से 15 तक, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है, और 50 से लेकर के 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है, इसका मतलब 1 से 100 तक में कुल जो है कितनी अभाज्य संख्या होती है, 15 अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो इस बात को एकदम कंफर्म कर लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन है तो आपको लिखना ना पड़े, 1 से 50 तक में 15 अभाज्य संख्या होती है, जैसे कि मैंने आपको लिख के बता दिया, और 1 50 से 100 तक में 10 अभाज्य संख्या होती है, और 1 से 100 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। आगे को आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो इनको बस जोड़ देना है, ठीक है, जब योग पूछेगा तो आपको लिखना पड़ेगा, और इनको लिख के क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा, ठीक। तो वीडियो को देखिए, अच्छा ये 1 10 15 यहाँ है, 10 यहाँ है, 25 हो जाएगा, 1 से 100 तक में कुल जो है 25 अभाज्य संख्याएं होती है, क्योंकि 1 से 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10, तो कुल कितनी हो गई 25 अभाज्य संख्या। तो जब भी आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 25 अभाज्य संख्या, क्लियर बात, ठीक है। तो हमें लगता है यहीं तक रहने देना चाहिए, फिर आगे हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, आप देखिए तब तक इसको, फिर दूसरा पार्ट जल्दी मिलेगा आपको, ठीक, चलिए धन्यवाद आपका। चलिए तो इस वीडियो को देखिए और देख के बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को देखिए, देख के मुझे हम लोगों को बताएंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग और आगे वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए आपका